व्यवस्था विवरण अध्याय 28। व्यवस्था विवरण अध्याय 28। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से सात मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी पृथ्वी पर समय पर मेह बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दहिने व बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे न हो ले और उनकी सेवा न करे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझे शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू न मिट जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुए से मारेगा और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तू सत्यानाश न हो जाए और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूली बरसाएगा। वह आकाश से तुझ पर यहां तक बरसेगी कि तू सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा परंतु सात मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। तेरी लोथ आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगी और उनका कोई हाँकने वाला न होगा। यहोवा तुझको मिस्र के फोड़े और बवासीर दाद और खुजली
से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे कामकाज सुफल न होगे, और सदैव तू केवल अंधेरा सहता और लूटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़वाने वाला न होगा। तू स्त्री से ब्याह की बात लगाएगा परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा परंतु उसमें बसने न पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा परंतु उसके फल खाने न पाएगा। तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा और तू उसका मांस खाने न पाएगा। तेरा गधा तेरी आंख के सामने लूट में चला जाएगा और तुझे फिर न मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएगी और तेरी आंख से और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला न होगा। तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएगी और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएगी और तेरा कुछ बस न चलेगा। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे, और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पीसा जाता रहेगा, यहां तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखता पागल हो जाएगा। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से सीख तक की असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा तेरी और तेरे पूर्वजों से अनजानी एक जाति के बीच में पहुंचाएगा, और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा, और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा वहां के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और शाप का कारण समझेगा। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएगी। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा परंतु उनकी दाख का मधु पीने न पाएगा, वरन फल भी तोड़ने न पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जलपाई के वृक्ष तो होंगे परंतु उनका तेल तू अपने शरीर में लगाने न पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। तेरे बेटी बेटियां तो उत्पन्न होंगे परंतु तेरे नहीं रहेंगे, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा परंतु तू उसको उधार न दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूछ ठहरेगा। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे, और अंत में तू नष्ट हो जाएगा, और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी की छोर से वेग उड़ने वाले उकाब किसी एक जाति को चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा को तू न समझेगा। उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा। वे न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और न बालकों पर दया करेंगे, और वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहां तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा, और वे तेरे लिए न अन्न और न नया दाख मधु और टटका तेल और न बछड़े न मेमने छोड़ेंगे यहां तक कि तू नाश हो जाएगा, और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहें
जिन पर तू भरोसा करेगा न गिर जाए। तब गिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटी बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा, और तुझमें से जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो वह भी अपने भाई और अपनी प्राण प्यारी और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा, और वह उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ न देगा, क्योंकि गिर जाने और उस सकेती में जिसमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे उसके पास कुछ न रहेगा। और तुझमें जो स्त्री यहां तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमि पर पाव धरने भी डरती हो, वह भी अपने प्राणप्रिय पति और बेटे और बेटी को अपनी खेरी बरन अपने जने हुए बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिपके खाएगी। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों के पालन में जो इस पुस्तक में लिखी है चौकसी करके उस आदर योग्य और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझमें लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस पुस्तक की व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहां तक लगा देगा कि तू सत्यानाश हो जाएगा, और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने की संति तुझमें से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हें नाश ही क्या सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो उस पर से तुम उखाड़े जाओगे, और यहोवा तुझको पृथ्वी की इस छोर से लेकर उस छोर तक से सब देशों के लोगों में तितर बितर कर देगा, और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के अनजाने काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पांव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएगी और तेरा मन कलपाता रहेगा और तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आंखों को जो कुछ दिखता रहेगा उसके कारण तू भोर को आहमार के कहेगा कि सांझ कब होगी, और सांझ को आहमार के कहेगा कि भोर कब होगी। और यहोवा तुझको नाव पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में न आएगा, और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक न होगा।